अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू एन बाबा व्लॉग्स। एंड आज हम बना रहे हैं अंगारा चिकन, या चिकन अंगारा जो भी कह सकते हैं। पहले तो मैंने क्या किया है, ये जो साबित मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और क्या बोलते हैं इसको, लौंग, लौंग वो पूरा मैंने एक फ्राइंग पैन लिया था, ये वाला। ये फ्राइंग पैन के ऊपर एक 10 सेकेंड के लिए गर्म कर लिया। अभी मैं ये मसालों को ग्राइंडर में या फिर हाथ से पीट कूट लूँगा। एंड देन अभी अपने को चाहिए अनियन, अनियन अभी अनियन लूँगा, और अनियन लेके एक बड़े से इसके अंदर अनियन लेके थोड़ा इसके अंदर ऑयल डाल के थोड़ा इसको बिरस्ता बोलते हैं, वो बिरस्ता बनाऊँगा अभी। उसके बाद आई विल शो यू अराउंड। ऑन द वे, तो भाई पहले ये 3 चम्मच ऑयल ले लेना है बिरस्ते के लिए। तो दिस इज आवर कोर्स, एक पानी है, दो, तीन। ऑयल को गर्म होने देना है, ऑयल गर्म होगा उसके बाद आपको प्याज अंदर डाल देंगे। प्याज एक बार जब अंदर डालेंगे तो उसको जब तक अनियन थोड़ा लाइट पिंकिश कलर की हो जाती तब तक उसको ऐसे हिलाते रहना है अंदर, एक 3-4 मिनट समथिंग। भाई तेल गर्म हो चुका है, अनियन डाल देंगे आपको। अनियन डाल के अच्छी तरह से इसको हिला दीजिए। यहाँ है जी ओखली, तो जब तक अनियन आपकी लाइट पिंकिश नहीं हो जाती तब तक आप इसको हिलाते रहिए। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, इसको मीडियम फ्लेम पे रखिए, एक 3-4 मिनट हिलाते रहिए। चिकन जो है मैंने वॉश कर ड्राई कर रख दी है, अभी इसके अंदर ही अपना मैरिनेट भी करना है और इसके अंदर ही बनाना भी है। तो भाई 1.5 kg चिकन है, तो उसके हिसाब से अपने को नमक डालना है। ये बड़ी स्पून है मेरे पास, तो मैं सिर्फ 1 स्पून नमक फ्लैट डाल रहा हूँ। तो ये 1 स्पून नमक हो गया। उसके बाद अपनों को 2 स्पून ऑफ रेड मिर्च, लाल मिर्ची 2 स्पून, थोड़ा देख के हाथ कंट्रोल करके फ्लैट है ये, एक और ये दो। उसके बाद अपने को डालना है दही, कर्ड अपने को जितनी क्या बोलते हैं, ये अपना 2 चम्मच अपने को कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया धाने, तो जितना आप लोगों ने लाल मिर्च डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कोरिएंडर पाउडर डालना है। जितना आपने लाल मिर्च डालते हो उतना आपको कोरिएंडर पाउडर डालना, ताकि सेम ये दोनों सेम होना चाहिए, ताकि टेस्ट अच्छा है। फिर उसके बाद आपको मेन चीज़ डालनी है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 से 3 चम्मच, एक, दो और तीन, ये हो गया। फिर लास्ट में अपनों ने याद है स्टार्टिंग में गरम मसाले जितने भी थे वो रोस्ट करके रखे थे पैन से, तो भाई हमारे पास फिलहाल तो ग्राइंडर था नहीं, तो ग्राइंड हुए नहीं वो। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग दिस गरम मसाला मिक्स स्पाइसेस पाउडर, तो ये 2 से 3 चम्मच डालने बस। एक अपना ये हो गया, और अभी टमाटे अपने जो ग्राइंड किए, टमाटे जो ग्राइंड किए ये टूट गया, ये हमने सिर्फ 2 ही थे अभी फिलहाल प्रेजेंट अवेलेबल, तो 2 टमाटे ग्राइंड कर लिए, वो डाल दिए चॉपर पे, चॉप कर लिए डाल दिए। और हम लोग थोड़ा एक 2 स्पून केचप डाल देंगे ताकि इक्वल टेस्ट हो जाए। ये 1 और ये 2। अभी और को हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए इतना डालना है। प्याज अपनी जो थी, ये जब उन्होंने प्याज की है, ये जो प्याज की थोड़ी जल गई है, इसको अभी पाउडर करके डाल देना है। ये अभी भी थोड़ी गर्म है और थोड़ी ठंडी होगी तो उसको
चूर के ऐसे हाथ से चूर के डाल देनी, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। उन्होंने अभी वो बिरस्ता जो था वो भी पीस के डाल दिया है, अभी इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद जो ऑयल में अपनों ने बिरस्ता पीस के, जो बिरस्ता मतलब जो ऑयल में अपनों ने तला था ना, ये वाला ऑयल है, तो यही ऑयल को इसमें डाल देना है। मतलब एक्चुअली शुरुआत मैंने इसमें की थी, इसमें ऑयल डाल के पीसने बिरस्ता को क्या बोलते हैं प्याज को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें हुआ नहीं, तो मैंने छोटा वाला ये ले लिया, फिर उसके अंदर करके इसके अंदर डाला। तो ये जो ऑयल है इसके, यही ऑयल गर्म नहीं है, नहीं ये एक मिनट, यही ऑयल इसके अंदर डाल दूंगा। ऑयल डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो इसको ऐसे। ये आपकी चिकन मैरिनेट हो जाएगी, उसके बाद आपको स्लो फ्लेम पर इसको जब तक चिकन गल नहीं जाती तब तक पका लेना है, दैट्स इट। मैरिनेट करने के बाद आपको जो 45 मिनट्स तक ऐसे स्लो फ्लेम पर लगाना है एंड योर चिकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।